ठीक है। गोइंग टू एक्सप्लेन कैरेक्टर्स टू दर कॉमन ट्रांजिस्ट बेटी है या बाइपोलर तो फिगर का जो साफ देख रहे हैं तो इमीटर टर्मिनल दैट इज कॉमन एंड देर इज ग्राउंडेड ऑल्सो एंड देर आर टू टाइप ऑफ वोल्टेजेस वी आर गोइंग टू प्लॉट हियर द कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट ऑफ आई बी दैट इज द बेस करंट विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट वैल्यूज और बेस टू एमीटर वोल्ट पर एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ प्लॉट करेंगे। देर आर टू टाइप ऑफ रिहोस्टेट्स हियर आर एच वन एंड आर एच टू। बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि ये आर एच वन जैसे सबसे पहले हम लोग इसको वन ओम पे दोनों और धीरे धीरे जब इसको बढ़ाएंगे तो हम लोगों को ये डिफरेंट वैल्यूज देगा और आर एच टू को बदलने से डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी सी कॉरेस्पॉन्ड आई बी का वैल्यू यहाँ पर नोट। ठीक है, आई आउटपुट है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आई बी वर्स प्लॉट कर या सीधा पोटेंशियल परफॉर्म ऑफ द वर्चुअल। तो इनिशियली वी सेड द रिहोस्टेट आर एच वन इक वन ओम एंड रिहोस्टेट आर एच टू वन ओम। सेट द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वी सी वन वोल्ट बाई एडजस्टिंग द रिहोस्टेट आर एच टू। यहाँ पर हम लोग साफ देख रहे हैं कि अगर हम लोग रिहोस्टेट आर एच टू को एडजस्ट करेंगे तो वी सी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो है यहाँ ये चेंज होगा। देयर अबाउट क्या करना है वन वोल्ट के आसपास इसको फिक्स कर लें। क्या होता है फिक्स वैल्यू इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमको डिटरमिन करना है तो एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज वी प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट इज डन बिटवीन दी बेस करंट एंड दी बेस टू एमिटर वोल्टेज। बेस टू एमिटर वोल्टेज जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो बेस करंट रहेगा द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ बेस एमिटर वोल्टेज वी इज वैरिड बाई एडजस्टिंग द रिहोस्टेट आर एच वन। आर एच वन चूंकि कनेक्टेड है बेस टू एमिटर वोल्टेज के साथ तो हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे इसको फिक्स रखते हुए कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को फिक्स रखते हुए हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे ग्रेजुअल स्टेप्स में आर एच वन को चेंज करेंगे। तो दैट के क्या होगा डिफरेंट वैल्यूज पे हम लोग देखेंगे कि वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ बेस करंट माइक्रो एम्पी। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लॉट पे क्लिक करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे वी आर गेटिंग द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और क्लियर बटन को हम लोग प्रेस करने के बाद फिर हम सेट ऑफ रीडिंग के लिए वी सी को फिर फिक्स टू वोल्ट पे एंड देन अगेन हम लोग थ्री वोल्ट पे वोल्ट पे से फैमिली ऑफ कर्व्स वी कैन गेट और रिसीव इन केस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन टू प्लॉट। तो सबसे पहले देखिए शुरू स्टार्ट करें। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कहा कि आर एच वन आर एच टू को हम लोग वन वन ओम सबसे पहले हम आर एच टू को थोड़ा एडजस्ट करते हैं अबाउट का वैल्यू अभी वन वोल्ट पे लगते हैं वन वोल्ट थ्री टू थ्री लिटिल बिट एडजस्टमेंट 0.8 8 3 पर रहने देते हैं। तो इस समय कि आर एच टू 12 ओम वैल्यू पे इज 1.2 प्लस ओम 1 वोल्ट पे रहे वट एवर इट इज नियर अबाउट 1 वोल्ट और इसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे हम के सेट आर एच वन अभी भी आता है 0.08 वोल्ट एंड जो आई बी है 2.2
माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ऐड कर लेते हैं टेबल में, एंड देन अगेन ऐसे करते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो फिर ऐड करते हैं टेबल में, एंड अगेन इसको हम लोग करते हैं बढ़ाते हैं तो फिर ऐड टू टेबल कर, चार सेट ऑफ मिल गया। नाउ क्या कर सकते हैं कि बाद अगर चाहे नॉट हम लोग, ठीक है, आर एच टू सी वोल्ट, और यहाँ पर हम लोग आर एच से बढ़ाए डिफरेंस सेट्स ऑफ बेस करंट एंड बेस टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है, ऐड कर पास आ गया। प्लॉट करने के बाद हम लोग प्लॉट में, ठीक है, एयर पे जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सी ए के वोल्टेज को नियर अबाउट 3 वोल्ट करते हैं, थ्री पॉइंट सेवन पॉइंट वन, ठीक है, और उसके आर एच वन कैरी करते हैं, सो दैट वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस एमिटर वोल्ट एट दिस, ठीक है, ठीक है, ऐड करें लिटिल बिट, ऐड करें और अगेन प्लॉट पर, एक्चुअली प्लॉट आता है ऑलमोस्ट डायोड के फॉरवर्ड बायस डायोड है, स्टैटिक बिहेव करते, वी आर गेटिंग ऑल बिकॉज बियॉन्ड दैट ये एक्टिव रीजन काम कर, और ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन कहते हैं कि कलेक्टर बेस है दैट बायस एमिटर बेस एक्टिव रीजन पाते हैं जिस ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग मोड में रहता है, और बियॉन्ड दैट क्या होता है फिर सैचुरेशन जाता है, एंड बिफोर द एक्टिव द ट्रांजिस्टर इज इन द कट ऑफ रीजन, कट ऑफ स्टेट, दैट मीन्स ऑफ स्विच हम लोग को कर्व मिल, दैट इज एक्चुअली एक्टिव रीजन जंक्शन डायोड के गिव कर, कर दीजिए